गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब हेल्दी होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है। सना ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो आज का ये प्लान है कि आज मैं जाऊंगी मार्केट थोड़ी देर के लिए भाभी के लिए कपड़े लेने हैं, ठीक है? तो आज मैं जाऊंगी मार्केट थोड़ी देर के लिए, भाभी के लिए कपड़े लेने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बट ये है कि टाइम शॉर्टेज ले सकूँ आज सारी चीज़ें या नहीं, बिकॉज मौसम भी ख़राब है, बारिश कब हो सकती है। कपड़े तो ज़रूरी है कि वो तो आज लेके आऊँगी, बाकी भी चीज़ें कल शॉप चली जाऊँ, तो ये है कि उसके अलावा कुछ बना के भी आपको दिखाऊँगी। मेरा सांस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ऊपर नीचे, इस वजह से मैं सही से बात नहीं कर पा रही हूँ, बट आपको टाइम देना भी ज़रूरी है, फिर मेरी तबीयत बेटर हो जाएगी ठीक ठाक। तो चले चलते हैं पहले मार्केट, फिर मार्केट से आके देखें कुछ बना के भी आपको दिखाती हूँ। खाना तो वैसे भी बनाना ही है, तो देखती हूँ कि आज मैं क्या बनाती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट, लेट्स गो। Thank you.
काम देखे अपनी तरफ से, इतनी देर से वीडियो बना रही हूँ और कैमरा बंद किया हुआ है। सो पागल, मैं यूट्यूब पर डालूंगी ये। हाँ लेनी तो अब आज अंगूठी भी थी तो। वो तो 2100 का बड़ा जबरदस्त दे रहा था काले वाला, मैं तो पैसों के आते। हाँ मैं ले लेती सच्ची, अफसोस लगा मुझे कि होने चाहिए थे, अभी मैं ले लेती। मिल जाएंगे तय करवा के लाए, कहाँ से मिलेंगे अभी तो। हाली कमेटी बड़ी मुश्किल निकालनी है, और आपके 2000 देखे क्या एडवांस लेके निकालूंगी जो लिया था बिल वाला। और कपड़े लिए से भाभी के लिए, बारिश की वजह से। कंधे है पूरा रिक्शा ही रहा है। तो आप देखें ये है बीफ बोटी, घर तो हम आ चुके हैं और बीफ बोटी मैंने छोटी छोटी सी इसकी बोटियां कर ली हैं, ये मैं दिखा भी रही हूँ आपको, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, इससे ये गल भी जल्दी जाती हैं और ये छोटी ही अच्छी लगती है। दही डालेंगे इसके अंदर अब हम 3 से 4 चम्मच, आपको जितना पसंद हो उतना भी डालो, ज़्यादा खटास चाहते हैं तो। और दही से ही ये गलेगा भी, इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। ये नमक, हल्दी, कटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया दरदरा सा किया हुआ, और स्पेशल जो है इसके अंदर वो है अजवाइन। ये देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, चुटकी भरी है या 1/4 चम्मच का हिस्सा। इसकी खुशबू जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मैरिनेट कर देंगे, ताकि मसाला जो है वो बोटियों में अच्छी तरह से रच जाए। दो से तीन घंटे के लिए अब हम इसे रख देंगे। इस तरह से ना दही लगा रहता है तो फिर उससे जल्दी भी ये गल जाता होता है गोश्त होता है। अब ये देखिए 2-3 घंटे के बाद जब हमने निकाला है तो उसका लुक देखे, इसके लुक से मतलब पता चल रहा है कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से बोटियों के अंदर मिल चुका है, रच गया है, बस गया है। मैं यूज़ करती हूँ किसान का कुकिंग ऑयल, 1 लीटर वाला पाउच है ये देखिए, मैं यही यूज़ करती हूँ। अब ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया, 2 से 3 खाने के चम्मच जिसके अंदर ऑयल के डाले, ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बीफ जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ है, बर्तन अच्छे से साफ कर इस ताकि ज़ाया नहीं हो, नीचे रख के मैं भी सब निकाल के डाल दूंगी। अब हम इसे हिला देंगे 2 से 3 बार,
हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे, अब बिल्कुल लाइट, 1.5 से 2 घंटे में ये तैयार होगा, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो आग होगी और दही के पानी में ये गलेगा। अब माशाल्लाह से देखिए फ्राई हो रहा है, रेडी हो चुका है, तेल देखिए अच्छा अलग हो गया, लाइट चली गई, एक तरफ कोयला गर्म हो रहा है, एक तरफ ये बोटियाँ फ्राई हो रही हैं, माशाल्लाह से रेडी है फ्राई। तो अब देखिए टॉर्च मैंने जलाई हुई है, लाइट ने बड़ा तंग किया भाई यार, आपकी तरफ भी जाती है इतनी लाइट, इसकी वजह से ना रोशनी कम होने की वजह से सही से नजर नहीं आ पा रही है, वरना मैं आज तो मैंने आपको रायता वगैरह सब इसके साथ बना के दिखाना था, लेकिन ये लाइट ने काम खराब कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो। बोटियां हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं और ये देखो कोयला भी हमारा गर्म हो ही गया है, तकरीबन लगभग अच्छे से गर्म हो चुका है, ये बोटियां हैं और अब मैं इन्हें रख दूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी, और कोयला जो है वो उठा के किसी स्टील की कटोरी में डालूंगी। ये देखो कोयला हमारा बिल्कुल गर्म है, अब इसको मैं रखूंगी पतीली के अंदर और इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर, जिससे ये धुआं इसका जो है वो उठेगा। अब मैं इसको ढक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। सना व्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अब ये देखें 2 से 3 मिनट बाद हटाया है तो ये धुआं जो है इसके अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है, रोटी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे फिर हम सर्व करेंगे, प्लेट में निकालेंगे। देखिए मैंने कोयला जो है वो पास ही रखा था क्योंकि मुझे उसका धुआं बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह से देखिए अब हमारी बोटियां जो है वो रेडी हो चुकी हैं। आप भी अपने घर पे ट्राई करें और ट्राई करके बताएं कि कैसे बनी आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह से बिल्कुल बोटी रेडी है। अपना बहुत ज़्यादा आप सब ख्याल रखें, सना व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।